नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और अभी हम यहाँ पे ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड टेस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री बाय WHO ऑन। तो वर्ल्ड के द्वारा स्मॉल पॉक्स को फ्री WHO ने कब मान लिया था कि पूरा वर्ल्ड जो है स्मॉल पॉक्स फ्री है, तो वो माना था। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, 8 मई 1982 को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज़, इंडिया वार डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री इन। तो इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री हुआ था अप्रैल 1977 में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ वूपिंग कप। वूपिंग कप का अगला वो दूसरा नाम क्या है? वूपिंग कप का दूसरा नाम होता है पर्टुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MDT इज गिवन टू ट्रीट। MDT किसके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं? तो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ओके। डॉट्स इज गिवन टू ट्रीट। डॉट्स थेरेपी देते हैं TB के ट्रीटमेंट के लिए, ओके। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ओके। ये 6 मंथ का कोर्स होता है। ऐसे ही MDT की फुल फॉर्म होती है मल्टी ड्रग थेरेपी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा। कोलेरा किस रूट से फैलता है? ट्रांसमिशन मतलब किस रूट से फैलता है? तो ऑप्शन ए, फिको ओरल रूट से, फिकल कंटामिनेटेड वाटर से, एंड सेकंड ऑप्शन इज कंटामिनेटेड फूड से, ऑप्शन थर्ड इज कंटामिनेटेड हैंड से, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑल, तो यहाँ पे आंसर ऑल है, क्योंकि कोलेरा जो है वो फिको रूट से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से और कंटामिनेटेड हैंड से फैलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोज ऑफ BCG वैक्सीन एट बर्थ। जन्म के समय जब बच्चे को BCG वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी डोज कितनी होती है? 0.05 ml डोज हम लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोज ऑफ BCG वैक्सीन इज गिवन एट 6 वीक। अगर BCG वैक्सीन की डोज एट बर्थ ना लगे और हम उसको 6 वीक पर लगाएं, कितना डोज देना पड़ता है? 0.1 ml डोज देना पड़ता है। क्वेश्चन इज, आफ्टर बर्थ ऑफ ए बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। बेबी के जन्म के बाद कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है विद इन हाफ आवर्स, यानी कि आधे घंटे में जो है जितना जल्दी हो सके आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैकोमाइज इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ। ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? ईयर की है, कंजक्टिवा और कॉर्निया की है, नोजिया फेरेंक्स की है, सर्विक्स की है, किसकी बीमारी है? तो राइट आंसर इज कंजक्टिवा, ये कंजक्टिवा की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टिटनस इज। टिटनस का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लॉक जो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटेरिक फीवर इज ऑल्सो नोन एज। एंटेरिक फीवर का दूसरा नाम क्या है? टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर ऑल्सो नोन एज, यानी STD का दूसरा नाम क्या है? वेनेरियल डिजीज का दूसरा आंसर है नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज। मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वो प्लाज्मोडियम है, ओके। सीरम हेपेटाइटिस ऑल्सो नोन है। सीरम हेपेटाइटिस किसे कहा जाता है? विटामिन वो हेपेटाइटिस बी को, सॉरी हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है, क्योंकि सीरम हेपेटाइटिस जो है या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड के द्वारा फैलता है वो हेपेटाइटिस जो है बी है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई यूजुअली फ्यूकोरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस सी मेनली पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के ट्रांसमिट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो आंसर ए इज राइट आंसर, फ्यूकोरल रूट से ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोलियो इज मेनली ट्रांसमिटेड बाई। पोलियो कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है? तो ये भी फ्यूकोरल रूट से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, दी डिजीज दैट इज ऑल्सो नोन हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला आजार। काला आजार का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, यानी किसके कारण काला आजार होता है? तो वो है लेशमैनिया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पी सूप स्टूल इज द फीचर ऑफ डिजीज। पी सूप स्टूल किसका फीचर है?
यानी किसका सिम्टम है, तो कोलेरा जो है उसका सिम्टम होता है पी सूप स्टूल, यानी जिस व्यक्ति को कोलेरा होता है उसका जो स्टूल है वो पी सूप कलर का निकलता है, ठीक है, एकदम पतला सूप के जैसा। तो ये है राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रबड़ कैथेटर शुड बी स्टरलाइज बाई, रबड़ कैथेटर को किससे स्टरलाइज किया जाता है, तो रबड़ कैथेटर को 2% ग्लूटराल्डिहाइड से स्टरलाइज किया जाता है। राइट आंसर इज सी, सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड फॉर रिफ्यूज डिस्पोजल इज, डिस्पोजल को रिफ्यूज करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, कंपोस्टिंग, डंपिंग, बर्निंग या ऑल। तो बर्निंग, जला देना सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, किसी जियोग्राफिकल एरिया में कोई बीमारी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, लगातार बनी हुई है, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे हम, उसे हम एंडेमिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है ए सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन नोन एज, कोई बीमारी उम्मीद से ज़्यादा फैल जाती है किसी जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम एंडेमिक कहते हैं। और अगर कोई बीमारी वर्ल्ड वाइड फैल जाए तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन एग्जांपल होता है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन करना प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है। ओके, थैंक यू।